सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट टेक को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर और माय स्मार्ट टेक के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको PHP, जावा, ASP.NET इस तरीके की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वेबसाइट जो है बना पाओगे। वरना आप जो है किसी डेवलपर से बनवाते हो तो आपको 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार जितने में डील हो आप उतने में वेबसाइट बनवाते हो, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आपके लिए हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि खुद से एक वेबसाइट बनाना बिना कोडिंग के, तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और आप सीख जाएंगे कि कैसे आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग जाने हुए। इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको URL में लिखना है wordpress.com। लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी wordpress.com। इस तरीके की वेबसाइट है, कुछ इसका इंटरफेस हमें मिल जाता है। इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको देखेंगे, wordpress.com, wordpress.org। तो आपको जाना है wordpress.com में। wordpress.com पे आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड और अब ये स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका ऐसा इंटरफेस हमें मिल जाता है। हेलो, लेट्स क्रिएट योर न्यू साइट, व्हाट काइंड ऑफ साइट डू यू नीड, चूज एन ऑप्शन। आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए, आपको एक ब्लॉग चाहिए या फिर आपको एक वेबसाइट चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ हमें वेबसाइट चाहिए, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं बहुत सारी जो इसमें थीम्स हैं वो खुल चुकी हैं। तो इसमें से आप कोई भी थीम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके की दिखनी चाहिए। तो इसमें मैं ये जो एड इन है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आ चुका है, लेट्स गिव योर साइट एंड एड्रेस। आपकी साइट का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी। तो आप देख रहे हैं इसमें आ चुका है कि jaivirgangwar.wordpress.com ये आपको फ्री मिल रहा है। अगर आपको और भी चाहिए jaivirgangwar.com इस तरीके से चाहिए तो आप वो भी इसमें ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा इसको। तो आप देख रहे हैं जब हमें फ्री में मिल रहा है, ना ही आपको डोमेन खरीदना है, ना ही आपको होस्टिंग खरीदनी है, और आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और ना ही आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो मैं इस पर जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं अभी नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होने वाला है। इस तरीके का कुछ हमारा पेज ओपन हो चुका है। पिक ए प्लान दैट्स राइट फॉर यू। तो हमें इसमें से कोई भी प्लान अभी फिलहाल नहीं लेना है, हम जो है फ्री वाले पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं $0 फ्री इसमें। अब हमें करना ही होगा, 3 GB स्टोरेज हमें मिलेगी इसमें, 3 GB हमारे लिए काफ़ी है। तो स्टार्ट विथ फ्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें हमारी ईमेल आईडी वगैरह मांग रहा है क्योंकि हमें लॉगिन नहीं किया था, तो इसमें हमें लॉगिन करना होगा। तो मैं इसमें अपनी आईडी दे देता हूँ। तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया, सिक्योरिटी रीजन से मैंने अपनी ईमेल आईडी हाइड कर दी है। अब मैं क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं लिखकर आ गया है, ऑसम, गिव अस 1 मिनट, थैंक्स फॉर वेटिंग, वी आर रेडी फॉर यू, गो टू स्टार्टेड। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस खुल चुका है हमारी वेबसाइट का। और यहाँ पे गाइड करने के लिए आ रहा है कि मैनेजर साइट फ्रॉम द, ये मेन्यू हमें साइड में मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कस्टमाइज योर साइट, ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, जिनको नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है उनके लिए। तो इस तरीके का कुछ हमें थीम मिल चुकी है, मतलब इसे टेम्पलेट बोलते हैं, ये हमारा टेम्पलेट है। अब हम इसे जैसा चाहें वैसा एडिट कर सकते हैं अपने मन से। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, आपको ना ही डोमेन खरीदना पड़ा, ना ही आपको होस्टिंग लेनी पड़ी, आपका काम फ्री में हो गया, ना ही आपको कोडिंग आती है। अब अगर आप खोलेंगे मेरी वेबसाइट को, jaivirgangwar.wordpress.com लिखेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन होगी किसी भी कंप्यूटर पे। अगर आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ओपन करेंगे तो ये आप डोमेन नेम लिखेंगे और ये जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन हो चुकी है, कोई भी इसको ओपन कर सकता है। अब मुझे इसको जो साइट टाइटल देना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको अब एडिटिंग करनी है सारी। तो एडिटिंग करने के लिए मैंने इसमें बताया था राइट साइड में आपको माई साइट पे जाना है, W लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से आ चुका है साइट का टाइटल, jaivirgangwar.wordpress.com है। स्टैट्स, प्लान, ब्लॉग स्पॉट, पेजेस, मीडिया, टेस्टिमोनियल, थीम्स, शेयरिंग, प्लगइन्स, डोमेन, सेटिंग, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो अब हम ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं सेटिंग आ रहा है, तो मैं सेटिंग क्लिक कर देता हूँ। जब मैं सेटिंग क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा साइट में। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है साइट टाइटल, तो साइट टाइटल में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। जयवीर गंगवार और टैग लाइन आप डाल सकते हैं।
देयर यू कैन फाइंड माई ऑल वीडियोज, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। ये टैगलाइन हो गई आपकी वेबसाइट की, और यहाँ पे आ रहा है लोगो, तो आप कोई भी लोगो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना कोई लोगो ऐड कर लेता हूँ। ऐड नहीं आ रहा है इसमें जो पिक्चर दी हुई है, आप इनमें से कोई यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपने जो कंप्यूटर है इसमें से कुछ लोगो निकाल लेता हूँ, अपना माई स्मार्ट टेक का एक लोगो डाल देता हूँ इसमें। तो आप देख सकते हो ये मेरे कुछ लोगो है, मैं इनमें से एक लोगो चूज कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, लोगो हमारा आ चुका है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, डन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आप, लोगो आ चुका है। अब जो साइट का नाम है वो ये मैं अच्छा नहीं लग रहा है, मैं माई स्मार्ट टैग कर देता हूँ, क्योंकि मैंने माई स्मार्ट टैग का लोगो लगा लिया है। अब इस देख ये देख सकते हैं आप, हमारा हो चुका है। अब मैं सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया, अब हमारा लोगो, टाइटल और टैगलाइन हमारी वेबसाइट की डल चुकी है। इसी तरीके से आप जो है इसमें सारी सेटिंग कर सकते हैं, और भी आप इसका इंटरफेस देखेंगे अभी किस तरीके का है। इसमें आप पेजेस में जाएंगे तो पेजेस में आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी वेबसाइट में आप देखिए तीन चार पेज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। अब मैं चाहता हूँ और भी पेज ऐड हो, तो इसमें आप वो भी कर सकते हैं। आपको बस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसमें जितनी एडिटिंग आप चाहें उतनी एडिटिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, तो इसमें आप नेम, ईमेल, वेबसाइट, सबमिट ये लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसमें जो इंटरफेस है बहुत इजी आपको मिल जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। कोई भी पेज नया ऐड करना है, जैसे अबाउट अस आपको ऐड करना है, तो ऐड पेज में जाना है। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है पेज, इसके आगे लिखा हुआ है ऐड, तो ऐड पेज पे आपको क्लिक करना है, और आप जो है अलग से एक अबाउट अस नाम से पेज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है 3 GB तक की वेबसाइट इसमें आप बना सकते हैं इजीली। और भी आप इसमें देखेंगे नीचे, अब मैं इस वेबसाइट को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके की अभी दिख रही है। तो मैं अभी अपने ये डोमेन नेम ओपन करता हूँ, jaibirgangwar.wordpress.com, जो हमें वर्डप्रेस ने दिया है। तो आप देखेंगे जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की अभी दिख रही है। आप देख सकते हैं माई स्मार्ट टैग मेन्यू यहाँ पे आ रहा है, मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आप देखिए ये मेन्यू खुल गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। आप इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इसका कलर ब्लू है, अब आपको पसंद नहीं आप चाहते रेड हो जाए तो रेड हो जाएगा। हम मतलब कुछ भी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं बिना कोडिंग के। आप देखिए यहाँ पे माई स्मार्ट टैग आ चुका है लिखा, पहले कुछ और आ रहा था। इस तरीके से ये जो नीचे इमेजेस आ रही हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, तो ये देखिए आप नीचे एडिट का बटन बना हुआ है, इस पर जाएंगे तो आप यहाँ पे सब कुछ एडिट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है ये इमेजेस चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसे बोलते हैं फुटर। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपनी लोकेशन में, अपने सेट कर सकते हैं आपका जो घर है या आपका ऑफिस है। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, और कोई भी पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको देखेंगे ये फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, लिंक्डइन का, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेबसाइट क्रिएटेड बाई या कॉपीराइट बाई माई स्मार्ट टैग, इस तरीके से जो लिखा होता है वेबसाइट में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसमें और भी पेजेस हैं आपको ओपन करने हैं, तो मेन्यू में जाइए, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये तो एक टेम्पलेट है, इसमें और भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं जिनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और आप चाहते हो बिना पैसे खर्च करें आपका काम हो जाए, आपकी वेबसाइट बन जाए, तो आप वर्डप्रेस पे आ जाइए और अपनी जो वेबसाइट है उसको बना लीजिए। क्योंकि इसमें जो डोमेन नेम आपको फ्री वाला मिलेगा उसमें wordpress.com ज़रूर लगा होगा। मतलब जैसे आपका नाम विकास है तो आपको डोमेन नेम मिल सकता है, अगर आप विकास नाम से बनाना चाहते हैं साइट को, विकास.wordpress.com। जैसे इस तरीके से आपका कोई शॉपिंग का बिजनेस है तो आप चाहते हैं कोई भी, तो myshop.wordpress.com, मतलब उसमें जो ऐड ज़रूर होगा wordpress.com। तो इस तरीके से ये फ्री डोमेन होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है दोस्तों। आप इसको यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को, और आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बटन, इसको आप प्रेस कर देंगे तो जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ। आगे की वीडियोस में मैं और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है और कोडिंग वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।